जो मीटिंग के इनसाइडर्स हुए, जो इनसाइडर्स हमें मिली, जो बाहर आई खबरें मीटिंग से, वहां मॉर्नी मॉर्कल से ये सवाल पूछा गया कि शादाब ने क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म किया, तो मॉर्नी मॉर्कल ने कहा मैं फास्ट बॉलिंग कोच हूं और कोई स्पिन बॉलिंग कोच चाहिए होगा जो कि इन स्पिनर्स को गाइड कर सके, तो मतलब मॉर्नी मॉर्कल का ये कहना कि स्पिन बॉलिंग कोच की रिक्वायरमेंट है और वर्ल्ड कप जाते हुए स्पिन बॉलिंग कोच होना चाहिए कोई टीम के साथ, आपकी व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डेफिनेटली जब आपने फील्डिंग कोच रखा है, बैटिंग कोच रखा हुआ है आपने, और आई मीन फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्कल को रखा हुआ है, तो व्हाई नॉट स्पिनर? आपके स्पिनर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। एक तो मिडिल के ओवर होते ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मिडिल के मेन बैट्समैन खेल रहे होते हैं, वहां पे जो है वो आउट भी करना होता है, रन रेट को भी मेंटेन करना होता है, बहुत सारी चीजें, मेन रोल आपका बीच का, असल जो क्रिकेट आपकी बीच के ओवर की क्रिकेट है दोनों टीमों के लिए। लेकिन आई थिंक कि बॉलिंग के अंदर वो परफॉर्मेंसेज नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक जिस तरह यूसुफ ने कहा, मुशी भाई का नाम लिया या सकलैन का नाम लिया, जो भी है, जो लेग स्पिन करना जानता है, क्यों नहीं हो रही उसकी वजूहात। कल शादाब भी जब आया हुआ था शादी वलीमे पे, तो मेरी उससे बात हुई थी, मैंने कहा शादाब कभी भी आपको हेल्प की जरूरत है लाहौर में, आपके पास मुशी भाई हैं, मैं हूँ, कोई ऐसी जरूरत आपको समझ आ रही है करीम लाला, मैंने आपसे लाजमी पूछना है, बल्कि क्या पता मैं आपको कैंप के लिए बुला लूँ, मैंने कहा आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो व्हाई नॉट। जिस तरह इंशाल्लाह कप्तान ने और कोचेज ने कॉन्फिडेंस दिखाया है शादाब के ऊपर, हम भी उसी तरह कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह वो कमबैक करेगा, जरूर करेगा। बिल्कुल, वो मैच विनर रहा है बहुत दफा, बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट दिया है, और शादाब की परफॉर्मेंस तो कोई दो राय है ही नहीं, और गन फील्डर ही इज, वो तो सबके सामने है बिल्कुल। सो हमारी सारी बेस्ट विशेस जो है वो शादाब के साथ हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। बट यूसुफ, जब मैं स्क्वाड पे नजर डालती हूँ तो मुझे एक ख्याल आता है अचानक से, बिकॉज हमने 9 मैचेस खेलने हैं, हमने रिग्रेस ट्रैवलिंग करनी है, हमने 5 अलग अलग वेन्यूज पे खेलना है, और एक वेन्यू पे एक जगह नहीं खेलना, सिर्फ शुरू के 2 मैचेस हैं जो हैदराबाद पे खेलने, वरना आना जाना करना है। इस पूरे स्क्वाड के बीच में जो है वो मुझे मोहम्मद रिजवान अकेले एक विकेट कीपर दिखते हैं, गॉड फॉरबिड बिटवीन द मैच कुछ कोई हैमस्ट्रिंग कुछ पुल हो जाए हैमस्ट्रिंग या कोई इशू हो जाए, तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि हम एक वर्ल्ड कप के मैच में इमाम जो कि पार्ट टाइम कीपर हैं उनसे कीपिंग करवा सकेंगे, बिकॉज एक रेगुलर कीपर तो हमारा ट्रैवलिंग रिजर्व में है सर। अच्छा, ये जो ट्रैवलर जा रहे हैं 3, वो उसी टाइम रिप्लेस नहीं हो सकते? नहीं, इनकी कोई अगर बड़ी इंजरी होगी तो तब टेक्निकल कमेटी को बताया जाएगा और फिर रिप्लेस किया जाएगा, वंस ट्रैवलिंग रिजर्व आ जाएगा स्क्वाड में, तो जो स्क्वाड का बंदा होगा वो ट्रैवलिंग रिजर्व में चला जाएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर इन्होंने सोच समझ के किया होगा, क्योंकि वो साथ तो जा ही रहे हैं, और कोई अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई इंजरी हो रिजवान को, क्योंकि आपका मेन प्लेयर है, नंबर 4 पे खेलता है, विकेट कीपर की बड़ी टफ जॉब होती है, बड़ी मेन जॉब होती है, बहुत सी चीजें वो उसने परफॉर्म भी करना है वहाँ खड़े होकर, बहुत सी जो टेक्निकल चीजें हैं उसके सामने होती हैं, कीपर के सामने बहुत सी चीजें होती हैं जो वो कप्तान को भी गाइड कर सकता है, बॉलर को भी गाइड कर सकता है, और ये काफी अच्छे से टीम के साथ है, सीनियर प्लेयर है, काफी परफॉर्मेंसेज हैं इसकी, तो अल्लाह ना करे इसको कुछ हो, और खुदा ना खासा कुछ होता है तो फिर वो उधर ही फौरी, इसीलिए उन्होंने कोई साथ मेरा ख्याल रखा नहीं है दूसरा, कि कोई और प्लेयर उसकी जगह कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत थी उन्हें एक एक्स्ट्रा स्पिनर साथ लेके जाना था, फास्ट बॉलर लेके जाना था एक्स्ट्रा, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उधर से ही ले लेंगे, तो मुझे लग रहा है। बिल्कुल लाला, मतलब हम रिजवान को जानते हैं, ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, अपनी विल पावर से भी बहुत स्ट्रांग है, हमने 2021 के वर्ल्ड T20 में भी ये देखा कि वो एक दिन पहले जो है वो हॉस्पिटलाइज थे और अगले दिन वो सेमीफाइनल खेल रहे थे, तो ये तो हमें पता है कि माशाल्लाह से ही इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन अपनी विल के हिसाब से भी, बट कोई ना कोई होनी अनहोनी को तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। सवेरे सिंपल सी बात है इसको, क्योंकि आप जिस तरह आप रिजवान की तारीफ करी, मैं भी इसी तरह काफी अच्छे से इसके बारे में बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि बहुत ही तगड़ा दिलेर प्लेयर है, जिसकी दिलेरी की वजह से माशाल्लाह से अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ साथ में आप इसको इस तरह कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इमाम भी करता है, पार्ट टाइम करता है, तो आप जब तक वर्ल्ड कप पे नहीं जाते, आप जो कैंप शैम्प लग रहा है यहाँ पे, इमाम को आप साथ साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको प्रैक्टिस करानी चाहिए, उसको
कि अगर खुदा ना खास जो हम डाउट है हमें इंजरी ना हो जाए तो वाई नॉट कि वो भी तैयार रहे साथ साथ में। बिल्कुल। अच्छा लाला, अब मैं जरा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे आती हूँ। स्क्वाड आ गया, स्क्वाड में डिले हुआ काफ़ी, जो स्क्वाड संडे को तैयार हो गया था वो फ्राइडे को जाके जो है अनाउंस किया गया, उसके बीच के चार दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो गई। उसमें एक सबसे बड़ी मेजर चीज़ हुई मोहम्मद हफीज़ की रेजिग्नेशन। मोहम्मद हफीज़ जो कि टेक्निकल कमेटी का हिस्सा थे, मगर ये कि हफीज़ हमें हमेशा से पता है इज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज ओपिनियंस और कभी भी डरे नहीं है वो अपने ओपिनियंस को पुट फॉरवर्ड करने के लिए। क्या क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि हफीज़ को रेजिग्नेशन देनी पड़ी लाला? सवेरा टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई थी इनकी। जितना मैं हफीज को जानता हूँ, जितनी क्रिकेट मेरे साथ वो खेला है, वो लड़का वो खुल के बात करता है, वो किसी से ना डरता है ना कुछ है। मुझे जहाँ तक फीलिंग आ रही है, क्योंकि हफीज को मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें होंगी जो वो कह रहे होंगे या मनवा रहे होंगे और उन चीज़ों को जो है ना कर नहीं रहे होगी मैनेजमेंट टेक्निकल कमेटी वगैरह। तो कि आई मीन टेक्निकल कमेटी आप इसलिए बनाते हैं कि जो कंसर्न्स होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की या नेशनल टीम के, तो उनको एड्रेस किया जाए और उस पर काम किया जाए, वरना तो फिर मिसबा और ऑफिस का फायदा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल में कुछ कंसर्न होंगे, उसको पूरा किया नहीं जा रहा होगा, जबकि तभी मेरे ख्याल में वजह यही बनती है कि वो काम करना पसंद नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल लाला, एक ट्वीट की हफीज ने और उस ट्वीट में जो है वो उन्होंने पहले पूरा लिखा, जका साहब का शुक्रिया किया, मगर फिर उस ट्वीट को एडिट किया और एडिट करके एक जुमला उसमें ऐड इन किया जहां पे उन्होंने कहा आई एम ऑलवेज अवेलेबल वेन एवर जका अशरफ साहब नीड में आए ऑन अ सजेशन ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। ये ऐड किया गया बाद में अपनी ट्वीट के अंदर। मेबी आपको पता है हम सब मोहम्मद हफीज को जानते हैं, तो बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ वो कह भी गए और कहा भी नहीं। बस ठीक है, ये मेरे ख्याल में अब टेक्निकल कमेटी में नहीं है, बाकी टीवी पे बैठेगा तो बहुत सारी बातें वो खुद भी करेगा कि क्या वजूहात क्या थी। सवाल तो जहरी बातें उससे होंगे और ना वो बोर्ड का हिस्सा होगा, तो जो बोर्ड का हिस्सा नहीं होता फिर आप आराम से खुल के बात कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेशंस है। बट यूसुफ, कमिंग बैक टू यू, अब लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन की बात करें, स्क्वाड हमारे सामने आ गया है, अब तो दिस इज द स्क्वाड दैट वी हैव और हमें पूरा पूरा अपना सपोर्ट करना है इस स्क्वाड को, हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखें? मतलब एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह की हमारी टीम है वाइड बॉल में और जिस तरह प्लेयर हैं टॉप 10 में, 3 बैट्समैन हैं, बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी है, मेरा ख्याल है कि मेरा टॉप 10 में शाहीन ही है, लेकिन हमारी बॉलिंग काफी बेहतर है। दुनिया में अगर देखा जाए तो बॉलिंग हमारी बहुत बेहतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग बहुत कम ऐसा है कि वो 300 प्लस रन खाती है। एशिया कप में पड़े उनको 356 के सामने वाली बैटिंग लाइन बहुत तगड़ी थी और बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग उन्होंने खेली है। लेकिन ये है कि हमारी बॉलिंग ने हमेशा जो है वो 300 से कम ही रन खाए, बहुत कम है के ऊपर खाती है और टफ है बॉलिंग करना आजकल के दौर में। जैसे मिडल के ओवर में हम बात कर रहे हैं स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे, लेकिन बहुत टफ होता है स्पिनर का आजकल बॉलिंग करना। 5 फील्डर अंदर होते हैं, 2 नए बॉल लगे होते हैं, वो बॉल सेटल नहीं हुआ होता किसी तरह भी, मिडल में होता है बॉल, ना टर्न हो रहा होता है ना स्विंग हो रहा होता है, बैटर्स के लिए बहुत इजी हुआ होता है। तो इसके इस हिसाब से हमारे बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे जो नजर आ रहा है, जो हमें ऑनेस्ट ओपिनियन जो मुझे लगता है, जिस तरह की टीम है हमारी, पहली 4 टीमों में तो होना चाहिए, बाकी जीतना हारना अल्लाह के हाथ में, आपकी मेहनत कोशिश पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये टीम ऐसी है, इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये पहली 4 टीमों में आ सकती है। बिल्कुल जी, टॉप 4 में मोहम्मद यूसुफ जो है वो टीम पाकिस्तान को देखते हैं। वक्त हमारा एक ब्रेक पर हुआ है और ब्रेक पर हम जाएंगे, बट ब्रेक से वापस अहमद साहब भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। ICC ने कुछ रूल्स बताए हैं कि किस तरह की पिच होगी, क्या ग्राउंड होना चाहिए, क्या सिलसिला होना चाहिए। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे फर्दर।